चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोदी का मिशन एमपी की। जी हाँ, 5 राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने 5 भारत को हरी झंडी दिखाई है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। बिहार झारखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। पीएम ने गोवा को पहली वंदे भारत की सौगात दी है और कर्नाटक को दूसरी वंदे भारत की ट्रेन जो है वो आज मिल गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज एक बार फिर से बिहार झारखंड को जिस तरीके से मिली, तो वंदे भारत की ट्रेनों में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को पहली वंदे भारत की सौगात जो है वो आज सौंप दी है, दे दी है, और कर्नाटक को भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। तो 5 राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। यहाँ पर तो पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत को हरी झंडी आज दिखाई है। तो अब कनेक्टिविटी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी ये दिखाई गई, तो वंदे भारत और साथ ही साथ 2024 का क्या विजय रथ, क्योंकि लगातार ये जितनी भी वंदे भारत ट्रेन को सौगात दिखाई जा रही है और दी जा रही है अलग अलग राज्यों में, पीएम मोदी हरी झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज कर्नाटक को भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है कर्नाटक वासियों को मिली है। तो आज 5 राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत को हरी झंडी यहां पर दिखाई है। तो कनेक्टिविटी अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी का मिशन मध्य प्रदेश था और इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार झारखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है यहां पर, और पीएम ने गोवा को भी पहली वंदे भारत की सौगात दी है। तो 5 राज्यों को आज और अहम सौगात मिली है। चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा दें कि आखिर कहां कहां पर वंदे भारत की सौगात जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत यह है कि भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ये ट्रेन है। तो भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में इसका शुमार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ती है। अगली खासियत इसकी है कि 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो दौड़ती है। मतलब 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस ट्रेन की है। इसके अलावा ट्रेन की जो अधिकतम स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ट्रेन की ज्यादातर जो स्पीड है अधिकतम वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक गेट जो है उनकी भी व्यवस्था इस ट्रेन के अंदर की गई है कि हर कोच में सीसीटीवी कैमरे होंगे, ऑटोमेटिक गेट जो है वो वहां पर लगाए गए हैं। और अगर कुर्सियों की संख्या की बात करें तो कुर्सियां 360 डिग्री तक मूव जो है वो कर सकते हैं। मतलब 360 डिग्री तक आप कुर्सियों को हिला डुला सकते हैं, मूव कुर्सियां जो है इस ट्रेन की हो जाएंगी। और सभी कोच में हर कुर्सी के साथ चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आप ट्रेन में ऐसे ही चले गए, अचानक भाग दौड़ में आपने ट्रेन पकड़ी है, तो आपको हर जगह चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और ट्रेन के कोच में टच कंट्रोल के साथ रीडिंग लाइट जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या क्या खासियत है वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड और साथ साथ एरोडायनामिक ड्राइवर का केबिन जो है पूरा उसको तैयार किया गया है। ड्राइवर के केबिन को भी बेहद खास तकनीक के साथ बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि विस्तृत LED की व्यवस्था, ऑटो सेंसर टैब जो है वो इसमें लगाए गए हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की तमाम ये खासियतें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सामान रखने के लिए सभी कोच में मॉड्यूलर रैक की व्यवस्था जो है वो की गई है। आपके पास अगर सामान होगा तो आप मॉड्यूलर रैक में अपने सामान को सेफली रख पाएंगे। आपात स्थिति में ट्रेन को एक बटन दबा करके रोका जा सकता है। अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है, आपात स्थिति होती है, तो उसमें एक बटन का सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। आप उस बटन को दबाइए, ट्रेन जो है वो अपने आप रुक जाएगी। रेलवे सुरक्षा का बेहद खास रखा गया है। रेलवे सुरक्षा कवच नाम के सेफ्टी फीचर से ये ट्रेन पूरी तरह से लैस है। तो रेलवे सुरक्षा कवच कैसे काम करता है ये भी हमने आपको बताया था। एक ट्रेन को बनाने में 120 करोड़ रुपए की लागत जो है वो पूरी आई है। तो समझिए, एक ट्रेन को बनाने में 120 करोड़ का खर्च जो है वो हुआ है। यहाँ पर अब तक 22 वंदे भारत की सौगात मिली है। कहाँ कहाँ मिली है वो आप समझ लीजिए। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो चली है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर दूसरी की बात करें हम, तो 15 फरवरी 2019 से वंदे भारत की शुरुआत हुई थी। तो अब तक 22 वंदे भारत की सौगात है। कब कब ये ट्रेनें मिली, कब कब इनका उद्घाटन हुआ, कैसे ये पटरी पर उतरी, वो तमाम तारीख के साथ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 अक्टूबर 2019 को दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच जो थी वो चली थी। 3 अक्टूबर 2019 वो तारीख जब दूसरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल चलने वाली वंदे भारत की शुरुआत 30 सितंबर 2022 को यहां पर हुई थी।
और आगे जो अहम जानकारी है वो आप तक पहुंचा दें वो ये कि अंदौरा से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 13 अक्टूबर 2022 को हुई थी यहाँ पर। तो अभी तक 22 वंदे भारत की सौगात मिली है, कब कब मिली है, कैसे मिली है, कहाँ मिली है वो आपको हम बता रहे हैं। चेन्नई से मैसूर, नागपुर से बिलासपुर और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो 10 फरवरी 2023 को मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर शिरडी तक दो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी 10 फरवरी 2023 को। तो 2023 में भी यह सिलसिला रुका नहीं और अप्रैल 2023 में भोपाल से दिल्ली, सिकंदराबाद से तिरुपति, चेन्नई से कोयम्बटूर, दिल्ली से अजमेर, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम वंदे भारत की शुरुआत हुई यहाँ पर। और इसके बाद 15 मई 2023 को सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत की शुरुआत हुई। तो ये जो सिलसिला चला वो रुकने का नाम नहीं लिया, लगातार हर महीने हर किसी न किसी राज्य को सौगात मिलती रही और 18 मई 2023 को पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत की ट्रेन की शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा पहुंच जाता है 22 वंदे भारत ट्रेन का तो जो अब तक मिल चुकी है हमें। 25 मई 2023 को दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई और इसके बाद जो अगली तारीख आती है वो आती है यहाँ पर 25 मई 2023 के बाद, वो है 27 जून को भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु, गोवा से मुंबई के बीच वंदे भारत की शुरुआत हुई है। यानी कि आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 22 वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गोवा का जिक्र हम कर रहे थे तो गोवा के लिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास है क्योंकि पीएम मोदी ने आज ही गोवा को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से खास बातचीत की। जगह है, तमाम लोग यहां पे आते हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले मैं वंदे भारत ट्रेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माननीय मोदी जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जो भोपाल से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। गोवा के लिए वंदे भारत ट्रेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोवा के मुख्यमंत्री हमारे साथ प्रमोद सावंत जी, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारियों का जायजा भी लिए और अब वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से रवाना होने जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, गोवा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।